हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 14, चैप्टर नंबर 5 का। और ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर और होगा और चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स? फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल का मतलब पता ही है, डिफाइन किया था अच्छा खासा हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो फॉर्मुलेशन वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह का जो बनाया जा रहा है उनको, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? फार्मास्यूटिकल के अंदर आती हैं। और फार्मास्यूटिकल एड का मतलब सहायक। एड मतलब क्या होता है? सहायक। वो चीज़ें जो क्या हैं, सहायक हैं किसमें? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, जो फॉर्मुलेशंस करते हैं उसमें हमको क्या करती है, किसी ना किसी तरीके से हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो आप समझते हैं, ये टोटल 9 ड्रग्स हैं हमारे पास जो हमको पढ़ने हैं और समझने हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन कि क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो बात करें अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स की, तो देखो ये क्या कह रहा है। कह रहा है फार्मास्यूटिकल एड्स आर द ड्रग विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। कह रहा है जो फार्मास्यूटिकल एड होंगे, जो ड्रग हैं, उनका कोई भी असर नहीं होगा या बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, फार्माकोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर, या तो उसका कोई असर नहीं है या असर होगा तो ना के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि इनका काम ही क्या है, हेल्प करना किसकी, हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। बट दे आर इसेंशियली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, बट ये जरूर इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में। जो हमारे डोजेस फॉर्म बनती है, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह वगैरह, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। इनके इस्तेमाल के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती चीज़ें, ठीक है ना। लाइक टैबलेट, इंजेक्शन, इमल्सन या ऑइंटमेंट, जो भी चीज़ बनाई जाती है इनकी ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है। इनके हेल्प के बिना हम ये सब चीज़ें बना नहीं सकते। आगे आते हैं, क्या कह रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिकल आर नोन विच फाइंड एक्सटेंसिव एज वेल एज वैलिड एप्लीकेशन इन द प्रोसेसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। अच्छा, अब ये लाइन क्या बोल रहा है, इसको तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है ना, पाए जाते हैं किसके अंदर, या उनका काम ऐसा होता है जो कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में या फार्मास्यूटिकल्स की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। तो उसी की इंग्लिश बना के लिखी गई है। लार्ज नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिकल आर नोन, जाने जाते हैं, विच फॉर एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा, एज वेल एज वैलिड एप्लीकेशन, जरूरी है, वैलिड है, वो चाहिए चाहिए फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है ना। दीज आर हैविंग वेरी लिटिल और नो थेरेप्यूटिकली वैल्यू बट आर नेसेसरी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डोजेस फॉर्म। यही बात थोड़ी सी यहां घुमा के लिख दी गई है। तो क्या कह रहा है, दीज आर हैविंग वेरी लिटिल और नो थेरेप्यूटिकली वैल्यू। थेरेप्यूटिकली वैल्यू उनकी कुछ नहीं होती है, कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, बट आर नेसेसरी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डोजेस फॉर्म सच एज ऑइंटमेंट, ओरल टैबलेट, लिक्विड्स, इंजेक्टेबल्स एटसेट्रा। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स। तो कहीं ना कहीं ये बात और ये पॉइंट एक ही है, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, यहां डाल के यहां पर लिख देना सच सब्सटेंसेस, ये लाइन है ना, ये अगर पैरा टफ लग रहा है तो काट देना, सच सब्सटेंसेस उठा करके यहां ऐड कर दोगे तो फार्मास्यूटिकल एड की डेफिनेशन तुम्हारी कवर होगी। क्लियर है बातें? वो थोड़ी सा आसान लग रही है, थोड़ी टफ लग रही है, तो आगे लिख दोगे सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एड्स। क्लियर है, समझ में आ रही बातें, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, चीजों को समझ लो और लकीर का फकीर तो बनना ही नहीं है। नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलने वाले हैं। क्लियर है, आगे आते हैं। दीज मे बी रिक्वायर्ड फॉर सच पर्पसेस एज प्रिजर्वेटिव। कह रहा है इनकी जरूरत क्यों है, इनकी जरूरत होती है जैसे कि प्रिजर्वेशन, दवाइयों की एक्सपायरी होती है तीन तीन साल के बाद खराब हो रही है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या डाल रखे हैं, प्रिजर्वेटिव डाल रखे हैं। स्टेबिलाइजेशन, स्टेबलाइज रहे, अगर मान लो हमने कोई मिक्सचर तैयार किया है या ऑइंटमेंट तैयार किया है वाटर और ऑयल का, तो वो टूटे नहीं, स्टेबलाइज रहे, वैसा का वैसा ही रहे। एसिडिफिकेशन, उसको अगर एसिडिक करना है। अल्कलाइजेशन, बेसिक करना है। सस्पेंडिंग एजेंट, एक्सीपिएंट यानी कि जो जिसके अंदर हम उसको मिला करके बना रहे हैं। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कराना है। फिल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज ना कर जाए, एयर के साथ मिलके रिएक्ट ना कर जाए।
स्टेबिलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो मेरा मेन ड्रग होता है उसके साथ ये सब चीज़ें कई बार जरूरत पड़ती है। किस किस की जरूरत पड़ती है? प्रिजर्वेशन की, स्टेबलाइजेशन की, एसिडिफिकेशन की, ये तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है मेरे ड्रग को वेल मेंटेन रखने के लिए, ताकि जब पेशेंट के पेट में जाए तो अच्छे से काम करे। इन सब चीज़ों में कई बार क्या होती है, जरूरत पड़ती है हमें किसकी? फार्मास्यूटिकल एड्स की। क्या कह रहा है? फार्मास्यूटिकल एड्स मे रिमेन इन द फाइनल प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल एड फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा बनकर तैयार हुआ है उसमें रह जाए, बचा रह जाए, ठीक है। इन विच केस दे डू नॉट एग्जर्ट एनी स्पेसिफिक एक्शन ऑन द बॉडी, ठीक है ना। यहां पर काट देते हैं, इन दिस केस अगर ऐसा है तो दे डू नॉट एग्जर्ट एनी स्पेसिफिक एक्शन, वो कोई किसी भी प्रकार का कोई खास एक्शन बॉडी के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है ना। व्हेन द प्रोडक्ट इज एडमिनिस्टर्ड और दे मे गेट रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो कह रहा है जब प्रोडक्ट एडमिनिस्टर्ड हुआ, खाया गया, तो अगर ये उसके अंदर रह गए हैं कौन, फार्मास्यूटिकल एड, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये रह गए हैं, पहले केस में क्या होगा, ये अगर रह गए हैं, ऐसा भी हो सकता है दे मे गेट रिमूव्ड, ऐसा भी हो सकता है हमको जरूरत थी हमने डाला और प्रोसेस के दौरान लास्ट तक आते आते फार्मास्यूटिकल एड का काम खत्म हो गया और उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस बट कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द प्रोडक्ट एट सम स्टेजेस, ठीक है ना। रिमूव तो कर दिया गया है लेकिन मेन प्रोडक्ट के साथ काफी क्लोज रहा, टच में रहा, तो वो मेरे मेन प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा। क्लियर है? मेनी टाइम्स फार्मास्यूटिकल एड्स आर रेफर्ड एज फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज। इसको कई बार हम लोग फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मतलब जरूरत, फार्मास्यूटिकल की जरूरत है। जैसे कि छोटी सी बात एक बताऊं, टैबलेट कैसे बनती है, पंचिंग मशीन, टैबलेट पंचिंग मशीन, मेरे ख्याल से सब लोगों ने अगर तो लाइव नहीं देखी होगी तो यूट्यूब पे तो देख लिया होगा। पाउडर फॉर्म में मशीन में डालते हैं और मशीन पंच करती रहती है, टैबलेट बन बन के निकलती रहती है। अब वो पाउडर बंधा रहे, पाउडर बंधा रहे, ऐसा ना हो कि टैबलेट बनी फिर उठाई और टैबलेट फिर से पिस के चूरा हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टैबलेट बंधी रहे तो हम बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और वो क्या है, फार्मास्यूटिकल एड है हमारा, पाउडर को बांध रखने में हेल्प करता है। पेट में जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कलरिंग एजेंट, कलर की जरूरत पड़ती है कई बार, उसके एग्जांपल है। फ्लेवरिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है कई बार, तो बात समझ में आ रही है। स्वीटनिंग एजेंट की बात जरूरत पड़ती है, मीठा किया जाता है कई बार। इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ती है ना, एंड सस्पेंडिंग एजेंट, मतलब ऑयल को और वाटर को कई बार मिलाना पड़ता है, जैसे कि ऑइंटमेंट वगैरह में, ऑइंटमेंट बेसिस डाइल्यूएंट्स की तरह व्हीकल किसी के अंदर मिला करके प्रोडक्ट बनाना है हमको। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, पेट के अंदर जाके दवा जल्दी से टूट जाए, ब्रेक हो जाए। और ल्यूब्रिकेंट, तो ये तमाम कुछ कैटेगरीज दे दी हैं कि ये सब चीज़ें करने के लिए हमें कई बार कुछ ऐसे ड्रग्स की जरूरत पड़ती है जो सपोर्ट करते हैं मेडिसिन बनने में। ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं ये हमारी बॉडी पे कोई भी असर नहीं करते हैं, क्लियर है। चले आगे, तो आ जाते हैं, सबसे पहले है केओलिन, ठीक है, कई लोगों ने देखा भी होगा इसको, ठीक है। तो कह रहा है केओलिन आल्सो कॉल्ड चाइना क्ले, इसको हम चाइना क्ले भी कहते हैं। सॉफ्ट वाइट क्ले, काफी मुलायम सफेद क्ले होती है, क्ले समझते हो ना, जो हमारा मुल्तानी मिट्टी टाइप से रहती है। डेट इज इसेंशियल इंग्रीडियंट्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ चाइना एंड पोर्सलिन, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक जो ये क्ले है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है किसमें, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना और पोर्सलिन वगैरह होता है उसमें। एंड इज वाइडली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पेपर, रबर, पेंट एंड मैनी अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब ये सब तुम्हारे मतलब के नहीं थे, लाइन हटा सकते हो, ठीक है ना। तो केओलिन का क्या है, ये सब यूज भी है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। केओलिन इज नेम, इसे नाम क्यों पड़ा केओलिन, केओलिन इज नेम्ड आफ्टर द हिल इन चाइना, वो जिस पहाड़ से बहुत लंबे समय से उसको निकाला जाता रहा, उस पहाड़ का नाम क्या है, केओलिन, विच फ्रॉम विच इट वॉज माइंड फॉर सेंचुरीज। इस पहाड़ से कई सदियों तक इस केओलिन जो थी क्ले को निकाला जाता रहा और बेचा जाता रहा, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया, केओलिन नाम पड़ गया। ओके, इन इट्स नेचुरल स्टेट, कुदरती स्टेट में केओलिन इज अ वाइट, देख सकते हैं सफ़ेद है ये,
सॉफ्ट पाउडर होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग प्रिंसिपली ऑफ द मिनरल क्योलिनाइट। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर होता है, मेन कंपाउंड केमिकल जो इसके अंदर होता है, वो क्या होता है, क्योलिनाइट होता है। क्या होता है, क्योलिनाइट। सिनोनिम की बात करें तो चाइना क्ले, पेपर क्ले और व्हाइट क्ले। क्लियर। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज प्यूरिफाइड नेटिव हाइड्रेटेड अल्मोनियम सिलिकेट फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल। अब नेचुरल सोर्स क्या है, मिट्टी है, जमीन है, तो हाइड्रेटेड अल्मोनियम सिलिकेट फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल, उसके अंदर कणकण नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो मैं यहां तुम लोगों को बता दूं केमिकल कॉन्स्टेंट में ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज चाहो तो एक बार को याद नहीं करना, ठीक है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करोगे, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, और लॉस इन इग्निशन, कुछ चीजें इग्निशन में लॉस हो जाती हैं, ये इसके एलिमेंट हो गए, तो तुम्हें याद रखने ये इसके क्या है, केमिकल है। क्लियर है। आगे आते हैं थेरापेटिक एफिकेसी, कहाँ कहाँ यूज में आते हैं ये, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया में इस्तेमाल कर लिया जाता है, टैबलेट प्रिपरेशन में है, ठीक है, उसके बाद फिल्टर, मेटल को फिल्टर करने में इस्तेमाल होते हैं, फेशियल क्लींजर डिटॉक्स करने के लिए, ठीक है, डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन को रिमूव करना, और क्लियर पोर्स जो छेद वगैरह पड़ जाते हैं स्किन में उनको ठीक करने के लिए, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल, स्किन पे कोई एक्सेस तेल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, स्किन सूदर, स्किन को अच्छा फील कराता है, फाइट एक्ने, मुहासों से लड़ता है, टूथ क्लींजर, दांतों को साफ करता है, क्लींजेस हेयर, बालों को साफ करेगा, वर्क एज डिओड्रेंट, डिओड्रेंट की तरह काम करता है, टोन योर स्किन, हमारी स्किन के वो क्या करता है, टोन करता है, काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेप लगा लिया जाता है ऐसे हाथ पे, तो ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं देखा जाए बॉडी के सरफेस पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इजीली याद हो जाएंगे ये इसके यूजेस। क्लियर है। नेक्स्ट चलें लैनोलिन, देख रहे हो किस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, लैनोलिन, कभी इसको लाइव देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये क्या कह रहा है, लैनोलिन आल्सो कॉल्ड वूल योक, ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या है, भेड़ बकरियां जो होती हैं उनके खाल से निकाला जाता है ये, इसको वूल योक या वूल वैक्स भी कहते हैं या वूल ग्रीस भी कहते हैं, है ना, ग्रीस जैसा लग रहा है ये जो वैक्स, ये एक वैक्स होता है, वैक्स समझते हो ना, जैसे कि कैंडल, उसी टाइप से रहता है, कैंडल जो होती है, सीक्रेटेड बाय, कौन सीक्रेट कर रहा है, सबेसियस ग्लैंड ऑफ द वूल बियरिंग एनिमल, ऐसे एनिमल जिनके ऊपर जैसे कि भेड़, जिनसे हमें क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं, उनके स्किन के ऊपर ना एक खास तरह की ग्लैंड पाई जाती है, और ये ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, ये वैक्स को सिक्रेट करती है। क्लियर है। क्या कह रहा है, लैनोलिन यूज्ड बाय ह्यूमंस कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक शिप, जो ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, पालतू भेड़ होती है वहां से निकलता है, डेट आर रेज स्पेसिफिकली फॉर देयर वूल, उसको हम खास करके क्यों पाल रहे हैं, रेज मतलब पाल रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, ताकि उनका ऊन निकाल करके हम लोग उसको बेच सकें, बट उसके अंदर से हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। हिस्टोरिकली यानी कि चले जाए हम पुराने समय में, मैनी फार्माकोपियास हैव रेफर टू लैनोलिन एज वूल फैट, कुछ फार्माकोपिया ने इसको वूल फैट का भी नाम दे रखा है। हाउएवर एज लैनोलिन लैक्स ग्लिसराइड, अब इसके अंदर ग्लिसराइड तो है नहीं, जो फैट होता है, इट इज नॉट अ ट्रू फैट, है ना, फैट होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, ग्लिसराइड होना चाहिए, तो एक्चुअल में ये ट्रू फैट नहीं है, ठीक है, फैट बोल दिया गया बट ट्रू फैट नहीं है। फिर क्या कह रहा है, लैनोलिन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ स्टीरॉल एस्टर, ये इसके केमिकल कंपोनेंट में आ जाएगा, लैनोलिन्स वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी एड्स शिप, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वाटर प्रूफ होता है, शिप की खाल के ऊपर ऐसे चढ़ा रहता है ये, तो हम लोग ऐसे खरोच करके निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, शिप की खाल के ऊपर रहता है और शिप को एड करता है, हेल्प करता है इन शेडिंग वाटर फ्रॉम देयर कोट्स, जिससे कि क्या होता है, वो आराम से पानी अंदर नहीं जाएगा, वहां से पानी को झाड़ने में उसको क्या है, बॉडी से हटाने में हेल्प करता है। सर्टन ब्रीड्स, कुछ सर्टन मतलब कुछ ब्रीड्स हैं शिप की, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ लैनोलिन, बहुत ज्यादा अमाउंट में लैनोलिन निकालती हैं, ठीक है, ये लाइन ओके ओके है। लैनोलिन्स रोल इन नेचर इज टू प्रोटेक्ट वूल एंड स्किन फ्रॉम क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंट, ठीक है ना, क्या कह रहा है ये, लैनोलिन का रोल क्या है, क्यों ये भेड़ों में पाया जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है वूल को उसके ऊपर की एंड स्किन को फ्रॉम क्लाइमेट, जो क्लाइमेट बाबर चेंज होता है उससे बचाता है, एंड एनवायरमेंट, ठीक है ना,
इट इज ऑल्सो प्ले अ रोल इन स्किन हाइजीन, जो स्किन रहती है भेड़ बकरियों को उसको मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी हाइजीनिक कंडीशन बना के रखता है, वहां पे भी ये काम में आता है, इसीलिए उनकी बॉडी में निकलता है। फिर क्या कह रहा है, लैनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्किन। ये यूज में काम में आ सकता है कि यूज में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डाल सकते हैं इसको टॉपिक को। तो मेन अब आ जाते हैं यहां से, ये था इसका जनरल पॉइंट। ऊपर याद है तो अच्छी बात है, दो चार पॉइंट लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ रहा है लंबा तुम्हारा, अदरवाइज मेन आगे सिनोनिम पे। फिर वूल वैक्स, वूल ग्रीस या वूल फैट कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज द फैट लाइक सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब एक तरह का रिसाव जो बॉडी से निकल रहा है, ऑफ सबेसियस ग्लैंड विच इज डिपॉजिटेड इन टू द वूल फाइबर ऑफ शिप। ठीक है ना, जो वूल के फाइबर होते हैं शिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, शिप का नाम क्या है, ओविस एरिस लिन बिलोंगिंग टू फैमिली बोविडे। ठीक है, ठीक है, डिपॉजिट कहाँ हो जा रहा है, वूल फाइबर ऑफ द शिप में। तो ये ध्यान रखना कौन सीक्रेट कर रहा है, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, कौन सी शिप है, ओविस एरिस फैमिली बोविडे आ गई। क्लियर। केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो कई सारे इसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं, ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड आइसो कोलेस्ट्रॉल, कैरनाब्यूक एसिड, पामिटिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, ऑयलिक एसिड, लैनोसेरिक एसिड। अब ये मिलता जुलता नाम है, लैनोलिन, लैनोलिन, लैनोसेरिक एसिड, लैनोपामिटिक एसिड, तो ये तो इजीली याद हो जाएंगे, है ना, पामिटिक से फिर पामिटिक भी आ जाएगा। तो दो तीन ऐसे ऐसे जो मिलते जुलते वाले हैं उनको तुम लोग पहले याद करोगे। क्लियर, आगे आते हैं। थेरापेटिक एफिकेसी, क्या क्या यूज है इसका, वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेसिस। ठीक है, ऐसे ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं जहां पर क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना है। एन इंग्रेडिएंट ऑफ वाटर सॉल्युबल क्रीम, जो वाटर सॉल्युबल क्रीम होती है पानी में घुल जाती है उसका इंग्रेडिएंट होता है ये। एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक यानी कि जो हमारी और क्रीम्स वगैरह है। इमोलिएंट, इमोलिएंट क्या होते हैं, इमोलिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइजेस द स्किन, स्किन को सॉफ्ट करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं एंड डिक्रीज करते हैं इचिंग एंड फ्लैकिंग। ठीक है ना, इचिंग है, जलन है, उसको कम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमोलिएंट। तो इमोलिएंट बनाने में हेल्प आता है ये। एज ए मॉइस्चराइजर टू ट्रीट प्रिवेंट ड्राई रफ स्केली इची स्किन, है ना, स्किन इची है, रूखी सूखी हो गई है, इस टाइप की प्रिपरेशन में भी यानी कि मॉइस्चराइजर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके थेरेपेटिक एफिकेसी। तो ओवरऑल स्किन को ही प्रोटेक्ट करता है ये जानवरों की, और हमारे भी स्किन को ही प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, बीज वैक्स, मधुमक्खी का जो वैक्स होता है, देखा है मधुमक्खी छत्ता तोड़ा कभी, चिपचिपा चिपचिपा सा निकलती है, तो है ना, पीला पीला जैसा, शायद नहीं है ये, ध्यान रखना बीज वैक्स है ये, वैक्स मोमबत्ती जैसा चिपचिपा सा होता है। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। बीज वैक्स, इसका दूसरा नाम क्या है, सेरा अल्बा, इज ए नेचुरल वैक्स। कैसा वैक्स है ये, नेचुरल वैक्स है, प्रोड्यूस बाय हनी बी ऑफ द जीनस एपिस। एपिस जीनस की जो हनी बी होती है वो इसको पैदा करती है। द वैक्स इज फॉर्म्ड बाय वर्कर बीज। वैक्स कौन बनाते हैं, वर्कर भी बनाते हैं, जो कि सीक्रेट इट फ्रॉम 8 वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। अब वो 8 ना याद है तो कोई बात नहीं, इसको कौन सीक्रेट करते हैं, वर्कर भी सीक्रेट कर रहे हैं अपने वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से। उनके पास एक ग्लैंड होती है जो वैक्स बनाती है, उससे उससे निकालते रहते हैं ये। अच्छा, क्यों निकाल रहे हो, वो भी दे रखा है। द न्यू वैक्स इज इनिशियली ग्लास क्लियर, एकदम क्लियर कट आर पार दिखाई देता है एंड कलरलेस होता है। बिकमिंग ओपेक, धीरे धीरे वो ओपेक हो जाता है, मतलब आर पार दिखना बंद हो जाता है, आफ्टर चूइंग एंड बीइंग कंटेमिनेटेड विद पोलन बाय द हाइव वर्कर बी। अच्छा, जो वर्कर बीस होती है ये जो इन्होंने सीक्रेट किया है, इसको क्या कहते हैं, चबा रही है, किसके साथ, जो पोलन ग्रेन है ना इकट्ठा करके लाए हैं फूल से, मधुमक्खियों में शहद बनाने के लिए या और काम करने के लिए, तो ये उसको क्या है, इसको चबा रही है और पोलन ग्रेन उसमें मिला देती है। पोलन ग्रेन पता है ना, जो एंथर से निकलता है, ठीक है ना, जो फ्लावर होता है, देखा है फ्लावर, ये पोलन, इसके अंदर क्या होते हैं, ये एंथर, यहां से क्या निकलता है, पोलन ग्रेन, याद आया, कईयों को याद आ गया होगा। ओके, तो इस पोलन ग्रेन को मिक्सअप कर देता है, तब ये धीरे धीरे क्या होता है, ओपेक हो जाता है, ठीक है, और प्रोग्रेसिवली येलो, और धीरे धीरे क्या होता है, ये पीले हो जाते हैं और ब्राउनर या ब्राउन कलर का हो जाएगा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ पोलन ऑयल्स एंड प्रोपोलिस। अच्छा, ये बता दिया, याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे बना लिया, वर्कर बीज ने कैसे बीवैक्स बना के तैयार कर रहे हैं, ये उसके बारे में बात हो रही है।
सिनोनिम की बात करें तो सेरा अल्बा व्हाइट बीज वैक्स और येलो बीज वैक्स के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स हमको पता ही चल गया है, फ्रॉम हनीकॉम्ब ऑफ द, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। कौन सी मधुमक्खी का छत्ता? एपिस मेलिफेरा। फैमिली क्या है? एपिडे। क्लियर। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात कर लें अगर, ईस्टर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, माइरिसिन, फ्री सेरोटोनिक एसिड, मेलिसिक एसिड, सेरोलिन। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें अगर, इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स एंड पॉलिशेस। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ये ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स एंड पॉलिशेस। आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स, मोल्ड्स इन डेंटल, है ना। जब दांतों का कोई दांत बनाना होता है तो दांत के फंसा करके एक मोल्ड होता है ना, आटे जैसा होता है, दबा देता है तो उसमें शेप आया था उसका, उसको कहते हैं डेंटल, मोल्ड्स इन डेंटल। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल है इसका, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल है, लिपस्टिक, फेस क्रीम, कई जगह इसका इस्तेमाल है। इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ पैराफिन ऑइंटमेंट। किसका इंग्रेडिएंट है ये? पैराफिन ऑइंटमेंट का इंग्रेडिएंट है। क्लियर है? ओके। नाउ अकेसिया, देखा होगा ये वाला पौधा सब लोगों ने, अकेसिया, ठीक है ना। और ये देख रहे हो इसका जो तना है ये, और यहाँ पर ये क्या है, ये गम निकल रहा है, ये है ना, ये गम, रेजिन, गम मतलब रेजिन से ये निकल रहे हैं, इसी को हम लोग कलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे अपना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये, आगे आते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गम अरेबिक, गम सुदानी, अकेसिया गम, अरेबिक गम, गम अकेसिया, ठीक है, सेनेगल गम और इंडियन गम, कई नाम से जाना जाता है ये, जो दो चार याद हो जाए वो याद रखेंगे। इट इज ए नेचुरल गम, सबको पता है, ओरिजिनली कंसिस्टिंग ऑफ द हार्डन्ड सैप। सैप क्या होते हैं? सैप होता है जो प्लांट के अंदर से या पत्तों के अंदर से, या हम कह सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर से रिसाव हो रहा है ना, सेल के अंदर से निकल निकल के चीजें बाहर आ रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैप बोल देते हैं। तो हार्डन्ड, वो सैप क्या हो गया है? जम गया है। सैप क्या हो गया है? जम गया है। गम अरेबिक, अब वो कुछ बात बता रहा है गम अरेबिक के बारे में, कह रहा है गम अरेबिक, अच्छा रुको यहां पर ये लाइन हटानी थी। ओके, गम अरेबिक इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड। तो ये कहां पे काम आ जाएंगे इसके? ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में काम आ जाएंगे। प्रीडोमिनेंटली कंसिस्टिंग ऑफ अरेबिनोज एंड गैलेक्टोज। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एडिबल, खाया जा सकता है, एंड यूज्ड प्राइमरली इन द फूड इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, एज स्टेबलाइजर। ठीक है, यहां तक याद करेंगे, बाकी चीजें इसमें हमको याद नहीं करनी है, वो हमारे मतलब की नहीं, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसको काट देंगे। ठीक है, यही लाइन हमारे मतलब की थी। क्लियर है? वो लाइन हटानी थी, हटी नहीं है। ठीक है, की इंग्रेडिएंट, अच्छा ये भी हम कर सकते हैं कि अरेबिक की इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल क्या है, लिथोग्राफी, एंड इज यूज्ड इन प्रिंटिंग, पेंट प्रोडक्शन, ग्लू, कॉस्मेटिक, वेरी। ठीक है, ये अभी कर लेंगे बाद में। तो ये जनरल बात हो गई हमारे पास, यहाँ पर आगे आते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ड्राइड गमी, गमी मतलब चिपचिपा, एक्सुडेशन, एक्सुडेशन मतलब जो चीज अंदर से रिस करके बाहर आ रही है, ऑप्टेन फ्रॉम द, कहाँ से ऑप्टेन हो रही है? स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकेसिया अरेबिका, अकेसिया अरेबिका जो प्लांट का नाम है, ठीक है, और अकेसिया सेनेगल ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, दो प्लांट के नाम दे दिए हैं यहाँ पर, अकेसिया अरेबिका और अकेसिया सेनेगल, फैमिली दोनों की क्या है? लेग्यूमिनेसी, यहाँ से हमें यह मिलता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो अरेबिन, अरेबिक एसिड और एंजाइम ऑक्सीडेज। आगे क्या कह रहा है? अरेबिन, अरेबिन मिक्सचर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड का, और अरेबिक एसिड जो है मिल रहा है उसको अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं, तोड़ दूं, तो मेरे को क्या मिलने वाला है? एल रैमनोज, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोरोनिक एसिड मिलने वाला है। क्लियर है? आगे आते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी, एज डिमल्सेंट, डिमल्सेंट वही है, हमारी स्किन को सूद करता है, सूदिंग मतलब सॉफ्ट करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। फार्मास्यूटिकल एड, इमल्सिफिकेशन है। थिकनिंग एजेंट हो गया, ठीक है, जो थिक करता है, मतलब इसे बल्क प्रोवाइड करवाएगा। बाइंडिंग एजेंट, बाइंड करता है टैबलेट को। एज कोलाइडल स्टेबलाइजर, कोलाइड क्या होते हैं? जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडल कहते हैं। तो ये सब फार्मास्यूटिकल एड में ये सारे इसके क्या है? काम है। क्लियर है? क्लियर, चले आगे। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकाकैंथ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, प्लांट के ऊपर इस टाइप से ये इसका रेजिन निकल निकल के आके इकट्ठा हो गया, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कह रहा है, ट्रैकाकैंथ इज अ नेचुरल गम ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड सैप ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ लेग्यूम्स ऑफ द जीनस एस्ट्रागैलस। किस जीनस का है, एस्ट्रागैलस जीनस का प्लांट है ये, लेग्यूम्स है, ठीक है ना, नेचुरल गम है, ड्राइड सैप, सैप का जिक्र किया था अभी हमने, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो हम लोग किसी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लिख सकते हैं कि ये नेचुरल गम है, ठीक है ना, ड्राइड सैप है, स्पीसीज और जीनस। ओके, गम ट्रैकाकैंथ इज अ विस्कस, गाढ़ा होता है, ऑर्डरलेस, खुशबू नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगा, वाटर सॉल्यूबल है, मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम सैप, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टर बता रहा है कि ये विस्कस है, ऑर्डरलेस है, खुशबू नहीं होगी, टेस्टलेस है, टेस्ट नहीं होता है, वाटर सॉल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। आगे आते हैं, द गम सीप फ्रॉम द प्लांट इन ट्विस्टेड रिबन। सीप मतलब निकल निकल के बाहर आ रहा है, ट्विस्टेड रिबन है ना, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये ट्विस्टेड रिबन से निकल निकल के ये बाहर आ रहा है, ठीक है। और फ्लेक्स डेट कैन बी पाउडर्ड, इसको हम लोग चूरा बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। इट एब्जॉर्ब वाटर टू बिकम जेल, पानी एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है, जेल बन जाता है, विच कैन बी स्टीर्ड इनटू पेस्ट, उसको हम लोग फिर पेस्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। द मेजर फ्रैक्शन आर नोन एज ट्रैकाकैंथिन, जो उसका सबसे बड़ा पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकाकैंथिन कहते हैं। हाईली वाटर सोल्यूबल एज वेल एज म्यूसुलेजिनस कोलाइड, म्यूसुलेजिनस मतलब चिपचिपा गाढ़ा गाढ़ा था, ठीक है। द गम हैज बीन यूज हिस्टोरिकली एज हर्बल रेमेडी फॉर कंडीशन एज कफ एंड डायरिया, ये इसके यूज में आ गया, पुराने जमाने में कफ एंड डायरिया के डायरिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। एज अ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज मतलब पता है ना मैंने, चिपचिपा चीज को जो रहती है, और पेस्ट, पेस्ट या म्यूसिलेज के रूप में इट हैज बीन यूज एज टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स, जो जल जाता है उठाकर इसका पेस्ट लगा लेते हैं हम लोग। इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड एज इमल्सीफायर, इमल्सीफायर कौन होते हैं, जो ऑयल और पानी को मिक्सअप करने में हेल्प करते हैं, थिकनर और स्टेबलाइजर, ठीक है। सिनोनिम में बात करें तो गोट्स थॉर्न कहते हैं, गम ट्रैकाकैंथ कहते हैं, गम ड्रैगन भी कह देते हैं इसको हम लोग। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम द इनसीजन, कट मार देते हैं ऑन स्टेम, स्टेम को कट मारेंगे तो वहां से रेजिन जो गम है बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफायर, फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी। क्लियर है बातें, चले आगे। ओके, केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो ट्रैकाकैंथिन वाटर सॉल्यूबल है, बेसोरिन वाटर इनसॉल्यूबल है। अब ट्रैकाकैंथिक एसिड, गैलेक्टिरोनिक एसिड, डी गैलेक्टोपायरेनोस, ठीक है, डी ज़ाइलोपायरेनोस और एल एरेविनोरेमनोस के नाम से ये जाने जाते हैं जो इसके अंदर केमिकल है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो डिमल्सेंट पढ़ा था हमने, ट्रीट करता है डायरिया को, इमोलियंट पढ़ चुके हैं, थिकनिंग सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट देखा था अभी हमने, और बाइंडर। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल एड है ना, लगभग लगभग सब में क्या है, कॉमन है, एक समान है। तो ये जो इमोलियंट, थिकनिंग, सस्पेंडिंग, इमल्सिफाइंग, ये सब में तुम ऐड कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगा करके, ठीक है ना, क्लियर है ना। सोडियम अल्जीनेट, ठीक है, ये कुछ ऐसा पाउडर फॉर्म से मिलता है और लैब में देखा होगा तो डब्बा हमको ऐसा दिखाई पड़ता है लैब में, देखा किसी ने, ठीक है, चलो ये कुछ ऐसा होता है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो कह रहा है सोडियम अल्जीनेट, ये इसका फॉर्मूला है, इज ए लीनियर पॉलीसेक्राइड, लंबे लंबे लीनियर स्ट्रेट रहते हैं पॉलीसेक्राइड, डेरिवेटिव ऑफ एल्जीनिक एसिड, किसका डेरिवेटिव है, एल्जीनिक एसिड से बना है ये। सोडियम अल्जीनेट इज अ सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ मरीन ब्राउन एल्गे, ये पॉइंट तुम्हारे वन मार्क्स क्वेश्चन में आएंगे, आ सकते हैं कि ये सेल वॉल कंपोनेंट है मरीन ब्राउन एल्गे, समुद्री जो ब्राउन एल्गी होती है उसका, एंड कंटेन अप्रोक्सीमेटली 30-60% ऑफ एल्जीनिक एसिड। तो किसके सेल वॉल में पाया जाता है ये, मरीन ब्राउन एल्गी, क्लियर है। बैक्टीरियल अल्जीनेट, एक तो अल्गी होगी, कह रहा है बैक्टीरियल अल्जीनेट आर सिंथेसाइज्ड बाय ओनली टू बैक्टीरिया, जेंड्रा सुडोमोनास एंड एजिटोबैक्टर। बैक्टीरिया भी क्या करता है, सोडियम अल्जीनेट को बनाता है, और केवल दो जेंड्रा है, जीनस इसके ऐसे हैं जो बनाते हैं, सुडोमोनास और एजिटोबैक्टर, एंड यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ बायोफिल्म इन ऑर्डर टू एडहेयर टू सरफेस। क्यों बनाते हैं ये, दो कारण है, ताकि इन्वायरमेंट जो खराब होता है उससे बच सके, और किस कहीं सरफेस पे इनको चिपकना होता है, चिपचिपा होता है, ऐसे करके सरफेस जाके ये चिपक जाएगा।
ठीक है, किसकी हेल्प से? सोडियम अल्जिनेट की हेल्प से। कौन? बैक्टीरिया। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अल्जिनेट इज इट्स लिक्विड जेल बिहेवियर। ये लिक्विड जेल बिहेवियर, लिक्विड बन जाएगा, जेल बन जाएगा, जेल बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा इन एक्वा सोल्यूशन, पानी में डाल दो तो ये लिक्विड जेल और लिक्विड जेल में कन्वर्ट होता रहता है। सिनोनिम की बात करें तो अल्जिन सोडियम पॉली मैन्यूरोनेट, ठीक है ना, ये इसके कॉमन नेम है, सिनोनिम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ ब्राउन अल्गल स्पीसीज, ठीक है। कौन कौन सी स्पीसीज है? मैक्रोसिस्टिक पायरीफेरा, लेमिनेरिया हाइपरबोरियन, लेमिनेरिया डिजिटाटा, एस्कोफाइलम नोडोसम, ठीक है ना, ऑल बिलोंग्स टू फियोफाइसी, मतलब ब्राउन आल्गी, ठीक है ना। ये दो तीन है, कोई एक याद कर लेना, जैसे लेमिनेरिया है, डिजिटाटा है, ठीक है, ये आसान पड़ेगा। लेमिनेरिया हाइपरबोरियन है, जो नाम याद करने में आसान रहे, एटलीस्ट दो तो याद कर लेना। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें, इट इज सोडियम साल्ट ऑफ अल्जिनिक एसिड। अल्जिनिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ डी मैन्यूरोनिक एसिड एंड एल ग्लूरोनिक एसिड, क्लियर है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी, डर्माटोलॉजिकल प्रिपरेशन जो स्किन के लिए बनेगी, डेंटल दांतों के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों में इमल्सीफायर और इन कॉस्मेटिक, इन सब जगहों पर इसका क्या है, इस्तेमाल है, क्लियर है। कोई वर्ड में लगभग सब बताते जा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर कोई वर्ड तुम्हें लगता है कि इसका वर्ड सर को बताना चाहिए था और मेरे से गलती से मिस हो गया, मिस क्यों हो जाता है, जैसे अब टेक्सटाइल या इमल्सीफायर ये मैं पहले बता चुका हूँ तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि बार बार हाथ तेल और पानी जैसे जो चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। जब मैं पहली बार बताता हूँ तो वर्ड के मीनिंग तभी साथ साथ लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट अगार, जिसको हम अगार अगार भी कहते हैं, सुना होगा अगार अगार, ठीक है ना, बैक्टीरिया के कल्चर में इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है अगार और अगार अगार इज ए जेली लाइक सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीसेक्राइड। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ, कहां से ऑब्टेन हो रहा है? सेल वॉल्स ऑफ सम स्पीसीज ऑफ रेड आल्गी। रेड आल्गी की कुछ प्रजातियां हैं, वहां से इस्तेमाल निकाला जा रहा है, प्राइमरली मेनली फ्रॉम ओगोनोरी या ग्रेसिलेरिया एंड टैंगोसा या जेलिडिएसी। तो नेम जो स्पीसीज है कौन कौन सी? ग्रेसिलेरिया और जेलिडिएसी, क्लियर है। अगार इज ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, अगारोस और अगारोपेक्टिन, मेनली इन दो चीजों से मिलकर बना होता है ये। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द सेल वॉल। क्यों है ये वहां पर? तो सेल वॉल को सपोर्ट करता है ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एल्गे एंड रिलीज ऑन बॉइलिंग। जब उबाल देंगे एल्गी को तो वहां से वो निकल के बाहर आ जाता है। कौन? अगार अगार। दीज एल्गे आर नोन एज अगारोफाइट्स, बिलोंग टू रोडोफाइटा, ठीक है, फाइलम। ये अगारोफाइट्स होते हैं, कौन से उसको बिलोंग कर रहे हैं? रोडोफाइटा को बिलोंग कर रहे हैं। सिनोनिम की बात करें तो अगार अगार और वेजिटेबल जेलेटिन के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज अ ड्राइड जेलेटिनस सब्सटेंस। कैसा है? सूखा जेलेटिनस है, ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम अमांसी एंड अदर स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी लाइक ग्रेसिलेरिया एंड टेरोक्लेडिया। दे आर ऑल बिलोंग टू जेलिडिएसी फैमिली, क्लियर है बातें। केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो ऊपर लिखा ही था हमने, अगारोस अगारोपेक्टिन, ठीक है, डी गैलेक्टोस एंड एल गैलेक्टोस। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो इमल्सिफाइंग एजेंट, बल्क लग्जेटिव, लग्जेटिव पता है ना, जो पॉटी करने में आसान हो जाती है। प्रिपरेशन फॉर जेलीज एंड बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम, जेलीज जो जेलीज बनती है मार्केट में, जो जेलीज अवेलेबल है टॉफी के रूप में किसी रूप में, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। कल्चर मीडियम में इसका इस्तेमाल है। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड मेडिकल इनकैप्सुलेशन, जो कैप्सूल वगैरह बनते हैं वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। चले आगे, ग्वार गम, ग्वार फली देखिए ना, बस उसी से बनता है ये, देखो ग्वार फली देख रहे हो, सुखा लिया जाता है, ये बीज है इसका, फिर यहाँ से क्या बनता है? ग्वार गम, ठीक है, ये भी काफी काम में आता है, तो देखते हैं किस काम में आ रहा है ये। तो ग्वार गम की अगर हम बात करें, ग्वार गम आल्सो कॉल्ड ग्वारन इज अ गैलेक्टो मन्नन, क्या है? गैलेक्टो मन्नन पॉलीसेक्राइड, गैलेक्टो मन्नन पॉलीसेक्राइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्वार बीन्स। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? ग्वार बीन्स से। डेट हैज थिकनिंग एंड स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, किन दो प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? थिकनिंग, थोड़ा सा मोटा कर देता है जब कोई फाउंडेशन बनाते हैं, या स्टेबलाइज करता है फाउंडेशन को, खराब होने से रोकेगा, ठीक है। यूजफुल इन फूड फीड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, वो चल रहा है अपना। द ग्वार सीड्स आर मैकेनिकली डीहस्ड, डीहस्ड मतलब छील करके अलग कर दी जाती है, हाइड्रेटेड सुखाई जाती है, मिल्ड पीसी जाती है एंड स्क्रीन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, उसके बाद हम उसको छान के अलग अलग करते रहते हैं।
जैसी हमें जरूरत होती है। इट इज टिपिकली प्रोड्यूस एज फ्री फ्लोइंग ऑफ व्हाइट पाउडर, ठीक है ना। कैसा प्रोड्यूस होता है ये? फ्री फ्लोइंग मतलब धार बन के बहेगा, और ऑफ व्हाइट पाउडर यानी पाउडर कैसे, कुछ पाउडर ऐसे होते हैं ना गीले गीले से, ऐसा नहीं होगा, ऊपर से गिराओ एकदम हवा की तरह बहेगा, दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोइंग। ऑफ व्हाइट पाउडर थोड़ा क्रीम कलर का हो जाता है। सिनोनिम की बात करें तो ग्वार फ्लोर, जगुआर गम और ग्वारन, क्लियर है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो एंडोस्पर्म भूल जाओ तो सीड ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, बात समझ में आ रही है। इट इज अ पाउडर एंडोस्पर्म ऑफ सीड ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, क्लियर है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो ग्वारन जिसको हम गैलेक्टोमैनन भी कहते हैं, ग्वारन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड गैलेक्टोज एंड मैनोज, क्या क्या यील्ड कर रहा है? गैलेक्टोज एंड मैनोज। इट इज ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन भी होती है इसके पास। थेरेप्यूटिक एफिकेसी सम सेम है, थिकनिंग, बल्क लग्जेटिव, एपेटाइट डिप्रेशन भूख मारता है, यूज इन सस्पेंशन, इमल्सन एंड लोशन, एज अ बाइंडिंग एंड डिसइंटीग्रेशन एजेंट इन टैबलेट, ठीक है ना। बाइंडिंग और डिसइंटीग्रेशन, बांधने के लिए और तोड़ने के लिए, तोड़ना क्या कहाँ जा करके, पेट में जाए तो टूट भी जाए कोई दवा आराम से, दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, क्लियर है। नाउ द लास्ट वन इज जेलेटिन, ठीक है। क्या कह रहा है जेलेटिन के बारे में, आओ देखें। ठीक है, जेलेटिन और जेलेटिन स्पेलिंग का अंतर थोड़ा सा, इज अ ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मतलब पूरी तरीके से आर पार नहीं दिखेगा, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। कलरलेस है, कलर नहीं होगा, फ्लेवरलेस है, स्वाद नहीं होगा, फूड इंग्रेडिएंट है ये। कॉमनली डेराइव फ्रॉम कॉलेगन, टेकन फ्रॉम एनिमल बॉडी पार्ट, कॉलेगन क्या है, प्रोटीन होती है जो कि एनिमल बॉडी में पाई जाती है। इट इज ब्रिटल व्हेन ड्राई एंड रबरी व्हेन मॉइस्ट, सुखा दें तो चूरा चूरा हो जाएगा, और हल्का सा गीला हो तो रबड़ की तरह खींचेगा, रबरी व्हेन वाइट सॉरी मॉइस्ट, रबरी हो जाएगा जब ये मॉइस्ट होता है, गीला होता है। इट इज कॉमनली यूज एज जेलिंग एजेंट, जेल बनाने के लिए, इन फूड बेवरेजेस, बेवरेज मैंने क्या बताया था, वो सारी चीजें ठीक है जो पीने वाली होती हैं, मेडिकेशंस, ड्रग्स एंड वाइटामिन कैप्सूल्स जो बनती है उसमें इस्तेमाल हो रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म में भी इस्तेमाल हो रहा है, पेपर बनाने में भी, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सब्सटेंसेस कंटेनिंग जेलेटिन और फंक्शनिंग इन अ सिमिलर वे आर कॉल्ड जेलेटिनस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस इसकी तरह बिल्कुल बिहेव करते हैं इसी तरीके से सिमिलर वे आर कॉल्ड जेलेटिनस सब्सटेंस, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जेलेटिनस सब्सटेंस कहते हैं। सिनोनिम की बात करें तो जेल फॉर्म प्यूरा जेल या जेलेटिनम के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो जेलेटिन इज अ प्रोटीन, मैं बताया था ये प्रोटीन है, एक्सट्रैक्टेड निकाला जाता है किससे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल कोलेजिनस टिश्यूज, एनिमल का जो कोलेजिनस टिश्यूज होता है, कोलेजन टिश्यू होता है उसमें से इसको निकाला जाता है, लाइक स्किन से, टेंडन से, लिगामेंट से एंड बोन से विद बॉइलिंग वाटर, पानी उसे उबाल देंगे कोलेजन हमारा बाहर आ जाता है ये, ठीक है, और जेलेटिन हम लोग उससे निकाल लेते हैं। केमिकल कंस्टेंट की बात करें, प्रोटीन है तो उसके अंदर क्या होगा, अमीनो एसिड होगा, और कौन सा अमीनो एसिड मेन होता है, लाइसिन। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूटिन प्रोटीन, जो मेन प्रोटीन पाई जाती है कौन सी होती है, ग्लूटिन होती है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल शेल्स, जो शेल होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग पेसरीज, पेस्ट, पेशल्स एंड सपोजिटरी, सब पता होंगे टर्म से, क्लियर हो गए होंगे तुम लोगों को। यूज्ड एज हेमोस्टेसिस, ठीक है, यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट, टैबलेट बाइंडर एंड कोटिंग एजेंट, तो ये सब ऑलमोस्ट सूटिस जो तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे होगे तो सारे टर्म ये वहाँ पे क्लियर होंगे तुम लोगों को। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 14, इसके बाद एक लेक्चर और है मिसलेनियस को लेकर के, और ये चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है पता ही है, रिवाइज करना है, पढ़ना है ना, तो पढ़ोगे ना, गुड, ऑल द बेस्ट।